आज मैं आपके लिए बिहार और झारखंड की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लिट्टी चोखे की रेसिपी लेके आई हूँ। ट्रेडिशनली लिट्टी जो है उपले पे बनाई जाती है, बट आज मैं इसे माइक्रोवेव में बना रही हूँ, तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिट्टी का टेस्ट एकदम अधूरा है अगर हम इसे देसी घी के बिना खाएँ, तो यहाँ हम देसी घी जरूर डालेंगे इसमें और इसके एंजॉय करेंगे। चलिए तो लिट्टी चोखा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चोखा बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का बैगन, दो टमाटर, तीन लहसुन की कलियाँ और एक हरी मिर्च ली है। अब हम जो है बैगन को चेक कर लेते हैं, तो इसमें हम कट लगा के देखेंगे कोई कीड़ा तो नहीं है। ये हमारा एकदम साफ बैगन है। इसमें हम जो है जो हमने लहसुन की कलियाँ ली थी वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से रोस्ट हो जाए और इसकी स्किन जब हमें ये भुन जाएगा तो निकालने में आसानी होगी। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से तेल से लगा देते हैं इस तरह से। मैंने हरी मिर्च को भी अच्छे से ऑयल लगाया है। तो चलिए इसे भूनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं इसे गैस पे भून रही हूँ। तो मैंने इस तरह का एक स्टैंड लिया, उस पर सारी चीज़ें इस पर रख दी। अब हम इसे घुमा घुमा के चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट करेंगे इस तरह से, जिससे कि एक स्मोकी सा टेस्ट आ जाए हमारे भरते में। आप इसे माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा भरता अच्छे से, ये जो बैगन टमाटर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, मैंने इसकी स्किन निकाल दी है। तो चलिए अब चोखा बनाने की शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है, जिसमें मैंने बैगन जो मैंने साफ करके रखा है, टमाटर और हरी मिर्च उसकी भी डंडी निकाल देते हैं। और देखिए हमारी गार्लिक कितने अच्छी तरह से रोस्ट हुए हैं, वो भी इसमें डाल दिए हैं। एक हम मैं आलू ले रही हूँ, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। आप आलू को भी बैगन और टमाटर की तरह रोस्ट कर सकते हैं। अब इन एक पोटैटो मैशर की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। कोई भी बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए और हम अच्छे से मैश करेंगे, जिससे कि हर तरफ एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ मैंने देखिए अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लिया है। अब इसमें और इंग्रेडिएंट डालते हैं, स्पाइसेस डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लहसुन डाला है 3 से 4 कली, 1 इंच अदरक डाल रही हूँ, ग्रेट करा हुआ है, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर प्याज बारीक कटी हुई डाली है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा इसमें हम कच्चा सरसों का तेल डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक और आधे नींबू का हम इसमें रस डाल रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और हमारा चोखा बनके तैयार है। तो देखिए कितना झटपट से बन जाता है और घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती ही हैं हमारी। तो चोखा रेडी है, चलिए स्टफिंग की शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप सत्तू लिया है, सत्तू का आटा देखिए इस तरह से इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। अब मैंने इसमें लहसुन की कलियों को ग्रेट करके डाला है। तो यहाँ मैंने 8 से 10 कली लहसुन की ली थी, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे प्याज ली है, 1/2 टीस्पून मैं इसमें कलौंजी ले रही हूँ, बहुत ज़रूरी है डालना इस तरह से। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, नमक हमने चोखे में भी डाला था। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा अजवाइन डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून के बराबर। और अब हम इसमें फिर से कच्चा सरसों का तेल डाल रहे हैं, कच्चा ही सरसों का तेल डालना है, यही यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल रेसिपी में, थोड़े से धनिया पत्ते। अब हम इसमें अचार का मसाला डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आम का अचार का मसाला डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास आम का अचार का मसाला नहीं है तो आप मिर्च के अचार का मसाला भी डाल सकते हैं, जितना आप चाहें उतना डाल सकते हैं, आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और हमारी स्टफिंग रेडी है। थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, जिससे कि एक टैंगी सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि ये टैंगी फ्लेवर की ही होती है, जैसे लिट्टी चोखा सब में टैंगी फ्लेवर आए। अब हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाली है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। देसी घी डालेंगे 2 स्पून के बराबर, अच्छे से मिलाएंगे और इसका एक सेमी टाइट जो है हमें इसका डो लगाना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला। पानी हमें नॉर्मल बॉटल लेना है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो इतना डो लगाने के लिए मुझे 2/3 कप पानी की ज़रूरत पड़ी। अब हम इसे इसी तरह से रख देंगे, बस हमें समेट के एक जगह रख देना है, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है तो ये खुद से ढीला हो जाएगा थोड़ा सा। तो
तो अब इसे कवर करके आधा घंटे के लिए रख देते हैं। जैसे ही आधा घंटे होते हैं हम इसे खोलेंगे और फिर से हम इसे एक बार मस लेंगे, एक बार गूंद लेंगे फिर से। तो देखिए हमारा डो रेडी है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े का साइज़ डिपेंड करता है आपको कितनी बड़ी लिट्टी बनानी है। तो मैंने यहाँ पे एक कप आटे से चार लिट्टियाँ बना रही हूँ इस तरह से। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं लिट्टी। तो देखिए इस तरह से मैंने एक पेड़ा लिया दोनों हाथों के बीच में रख के, इसे एक कटोरी की शेप देनी है इस तरह से। तो हमने इसे कटोरी की शेप दे दी। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे दबा दबा के। हमें इसमें जो है स्टफिंग भरनी है, हाथ से भी दबाइए और इसको सील करने के लिए सारी साइड्स को हमें एक साथ लेके आना है इस तरह से। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट है आप इसे निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज इसी तरह से जैसे हम मोमोज बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बंद करके रख देना। अच्छे से सील होना चाहिए, देखिए कितना परफेक्टली सील हुआ है। इसी तरह से हमें सारी लिट्टी बना लेनी है। अब हम इसे माइक्रोवेव में बना रहे हैं, तो इसकी जो अपर शेल, ये हमें ग्रिल स्टैंड दिया होता है, तो हम उस पर अच्छे से ऑयल देसी घी लगा लिया और साथ तीन लिट्टी में एक बार में बना रही हूँ। तो मैंने माइक्रोवेव को पहले कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे जो है मैंने रीहीट करके रखा है। अब हम इसे ग्रिल करेंगे। तो ग्रिल का ऑप्शन सिलेक्ट करके इसे 7 मिनट के लिए ऊपर की साइड से सेकेंगे। 7 मिनट होने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, पलटेंगे इन्हें और फिर अगले 7 मिनट के लिए फिर से हम इसे ग्रिल करेंगे इस तरह से। देखिए टाइम पे जो है वैसे डिपेंड करता है आपके माइक्रोवेव के ऊपर, बट मैं आपको परफेक्ट टाइम बता रही हूँ। तो देखिए दोनों साइड से हमें 7-7 मिनट इसे सेक लिया। अब जो लोअर वाला स्टैंड होता है ना, उस पर हम इसे फिर से 6-6 मिनट के लिए ऊपर नीचे से हम इसे रोस्ट करेंगे फिर से। तो देखिए मैंने रख दिए। अब मैं फिर से इसे ग्रिल करूंगी 6 मिनट के लिए। 6 मिनट के लिए एक साइड से सेका, हम इसे पलट देंगे फिर हम फिर से 6 मिनट के लिए सेकेंगे। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी लिट्टी कच्ची है तो आप फिर से 3 टाइम करेंगे 6-6 मिनट, क्योंकि ये डिपेंड करता है माइक्रोवेव के ऊपर। तो यहाँ देखिए मेरी लिट्टी तैयार है, इसे सर्व करते हैं। कितनी परफेक्ट लिट्टी बनी है। देखिए अगर इसमें क्रैक्स आ गए तो इसका मतलब है कि अच्छे से बनी है। तो इसमें प्लेट में सबसे पहले भरता लगाएंगे हम चोखा इस तरह से, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और अब हम इसे चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं, हरी चटनी। थोड़ी सी हमने स्लिट करके जो है हरी मिर्च और थोड़ा सा हमने आधे नींबू को काट के रखा है, और लिट्टी को इस तरह घी में डुबो के हम सर्व करेंगे। बहुत ही यम्मी लगती है सीरियसली, और एकदम परफेक्ट हमने ये बनाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले 7 मिनट फिर 6 मिनट, फिर अगर आपको लगता है तो 7 मिनट फिर से प्याज के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए।